तो ये है इंट्रा एओर्टिक बलून पंप। जब कभी भी कार्डियक सर्जरी के बाद या फिर कुछ प्रोसीजर होने के बाद अगर हार्ट उतने रेट से उतने कैपेसिटी से अगर ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है बॉडी को, तब हम लोग IABP का इस्तेमाल करते हैं। IABP की मशीन जो है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की और प्रेशर को एक साथ मॉनिटर करता है और कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड जो फ्लो है उसको कितना इजीली फ्लो कर सके उसके लिए वो मदद करता है हार्ट को, ताकि इजीली ब्लड जो है बॉडी में पंप हो सके। जब भी हार्ट रिलैक्स होगा तो इसमें जो है बलून वो इन्फ्लेट हो जाएगा। तो ये जो IABP की मशीन है ये बलून को इन्फ्लेट और डिफ्लेट करता है और उसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के लिए ये हीलियम गैस का यूज़ करता है। हीलियम गैस इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है, तो कहीं भी जाके ये कहीं रिएक्ट नहीं करेगा। स्क्रीन में सारे ग्राफ्स आते हैं और नीचे में कंट्रोल्स हैं, ये देखेंगे हम पूरे कंट्रोल्स। सबसे ऊपर में आप देखेंगे ऑपरेशन मोड्स। ऑपरेशन मोड्स में एक ऑटो है, फिर सेमी ऑटो और मैनुअल मोड है। इसके बाद नीचे आएंगे हम, जब देखेंगे तो हमको मिलेगा ट्रिगर सोर्स। तो IABP की मशीन में ECG और प्रेशर का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होता है। जितना भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट का कंप्लीट मॉनिटर होता है और साथ में प्रेशर जो कितना है अपने अल्ट्रा में वो भी कंटिन्यूस मॉनिटर होता है। तो हम लोग ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम लोगों को जो ट्रिगरिंग है वो कहाँ से लेना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ECG पे ट्रिगर है, आप अप या डाउन का बटन इस्तेमाल करके ये ट्रिगरिंग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है IABP का फ्रीक्वेंसी। इसमें रेशियो है 1:1, 1:2, 1:3। अब इसमें कितना टाइम इन्फ्लेट और कितना टाइम डिफ्लेट करना है, तो इससे हम लोग ये सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम हमको इन्फ्लेट करना है और कितने टाइम डिफ्लेट करके रखना है। एगमेंटेशन अगर साधारण भाषा में हम समझेंगे तो जो बलून है वो कितना इंटेंसिटी से वो इन्फ्लेटेड रहेगा, तो वो एगमेंटेशन पे डिपेंड करता है। कितना स्ट्रांगली वो होल्ड करता है वो प्रेशर, वो एगमेंटेशन पे डिपेंड करेगा। अभी थोड़ा राइट साइड में देखेंगे तो आपको एक इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का बटन्स मिलेंगे। नीचे में दोनों मिलेंगे आपको, अर्ली और लेटर के दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपको इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन में अगर कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। अब नीचे में आएंगे तो लेफ्ट से चालू करेंगे तो अलार्म म्यूट का ऑप्शन है, जो अगर अलार्म्स को चाह रहे हैं आपको म्यूट, आप आपने देख लिया है कि क्या अलार्म है, अब उस पर एक्ट कर रहे हैं तो अलार्म म्यूट करके आप वो काम रेक्टिफाई कर सकते हैं। बट अलार्म अगर आ रहा है और सिर्फ म्यूट करके उस पर कुछ वर्क ना कर रहे हैं वैसा आप मत कीजिए। अब उसके नीचे जो बटन है वो हीलियम फिल करने के लिए है। अगर आपका जो कैथेटर है उसमें आप हीलियम फिल करना चाहते हैं तो वो दो सेकंड होल्ड करने पर हीलियम फिल करेंगे। हीलियम का एक और एडवांटेज है कि हीलियम में ना टर्बुलेंस कम है, तो उससे क्या होता है कि जो प्रेशर रहता है उसमें टर्बुलेंस नहीं आता है। जो ट्यूब के अंदर जो है ये एक फ्लूइड डायनामिक्स का कॉन्सेप्ट है। लो टर्बुलेंस को हम लोग लैमिनर फ्लो के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर प्रेशर और फ्लो वेलोसिटी जो पार्टिकल्स का है एक ट्यूब में वो सेम रहता है। उससे क्या होता है कि हम लोग ट्यूब जो अपना बलून है उसको क्विकली इन्फ्लेट और डिफ्लेट कर सकते हैं, मतलब तुरंत उसको भर के पूरा प्रेशर भी भर सकते हैं और उसको निकाल भी सकते हैं। इसके बाद आपको नेविगेशन की रेफरेंस लाइंस का बटन, जो मेन्यू में जाना है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिर जैसे आपको ECG से ट्रिगर लेना है ना, तो इसका सोर्स सिलेक्शन, ये सब आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। फिर राइट में जैसे आपको अगर कुछ चीज़ अच्छे से देखना है तो आपको डिस्प्ले फ्रीज कर सकते हैं। IABP मशीन में एक प्रिंटर भी इंस्टॉल होता है, तो अगर प्रिंट स्ट्रिप दबाते हैं तो आपको प्रिंट भी मिल जाएगा। सबसे ऊपर में स्टार्ट और स्टैंड बाय का ऑप्शन है, तो अगर स्टार्ट करना है या फिर स्टैंड बाय रखना है थोड़ी देर के लिए तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। IABP का रेगुलरली प्रेशर चेकिंग भी करना चाहिए। जब हम लोग अंदर जब सेटअप में जाके उसके जो वॉल्व्स है वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें भी एक बार जांच कर लेना चाहिए। ये जो आप देख सकते हैं ये एनिमेशन के थ्रू जो अपना जो डिस्प्ले है उसी में ही आपको दिखाएगा कि कौन सा वॉल्व है, कैसा ये सर्किट डायग्राम के हिसाब से क्या प्रेशर है। और लेफ्ट में आप जो देख सकते हैं कि प्रेशर अगर चेंज हो रहे तो वहाँ पर आपको दिख जाएंगे पूरे। इस मशीन को यूज़ करने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले एक बार सेल्फ टेस्ट जो है वो ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि हम लोग श्योर रहे कि जितने भी इसमें जो पैरामीटर्स हैं, जितने भी वॉल्व हैं, सब प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, सब अच्छे से काम कर रहे हैं और इसमें कुछ भी कमियां नहीं है या फिर खामियां नहीं है मशीन में। और जब ये पेशेंट पे इस्तेमाल होगा तो ये जो है हमको इफेक्टिव रिजल्ट देगा। IABP की मशीन को हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, हार्ट डिफेक्ट या फिर अबनॉर्मल हार्ट रिदम्स में भी इस्तेमाल किया जाता है।
और कभी कभी अलग अलग जगह पे जैसे ब्लड फ्लो अगर बढ़ाना है तो वहाँ पे भी हम लोग अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसको एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जांच ले कि सब कुछ सही है कि नहीं, क्योंकि इसके बाद जो एक प्रोसीजर के थ्रू जो है अपना जो IABP का बलून है वो इंसर्ट किया जाता है बॉडी में, और उसके बाद जो है इसका जो कंट्रोल है ट्रांसड्यूसर का वो मशीन की तरफ चला जाता है। कैथेटर और उसका फ्लशिंग नियमित टाइम से करना चाहिए, तभी आपको रीडिंग्स प्रॉपर मिलेगी। IABP, the intra-aortic balloon pump, is a type of therapeutic machine which helps the heart to pump more blood. The IABP transducer consists of a catheter, and in the front of tip of the catheter there is a long balloon which inflates and deflates. An IABP allows blood to flow more easily into the coronary arteries, and it also helps the heart to pump more blood with each contraction. The IABP has sensors which continuously monitor the ECG and the pressure signals. So both the electrical activity of the heart and the pressure are monitored simultaneously, and depending on the trigger that the clinician has set, the inflation and deflation takes place. For the inflation and deflation, the machine uses helium gas because of the properties of the gas being inert, and also there is less turbulence. In other sense, we can say that there is a laminar flow which has the velocity and the flow is more linear in the particles, and we can quickly inflate and deflate the balloon quickly. When we come down to the control panel, we can see the operational modes, also semi-auto, manual. Then we have the triggering sources, ECG or pressure. Depending on our selection, whether it is ECG or pressure, we can set the trigger source. Then there is IABP frequency, so is 1:1, 1:2, 1:3. So it is the inflation to deflation ratio. So how much time you want to inflate and how much time you want to deflate. Then there is an augmentation. Augmentation means how strongly the pressure is created in the balloon of the catheter. So how strongly it wants to, you want to hold it, hold the pressure. So that you can set with the augmentation. And then you can have the IABP inflation, deflation. Both are, you want to have earlier or later. So there are selection switches for that. Then there is alarm mute button. So when we have noticed an alarm and we are working on that alarm and we do not want the same alarm to get repeated, so then only we should press the alarm mute button, and not just, it is not pressing the alarm mute button is not the system solution. We need to add for the required problem or the indication that the machine is giving. Then there is an IABP fill option. So when you want to fill the helium in the catheter, so there is the option for that. Then there is a help, then page up, page down button is there. Then in the right side there is a scrolling options, so up, down, left, right keys are there. Then the back, then after that you have ECG source selections. Then there are different buttons for users, and there are switches for checking the intervals, freezing the display and printing the strip. The machine has an inbuilt printer, so we can print the strips from by pressing that print strip button. The catheter and the balloon is carefully placed inside the body through a procedure, and then it is attached to the machine. The balloon is inflated when the heart relaxes, and it pushes the blood flow back towards the coronary arteries. There may not have been receiving enough blood flow without the pump. When the heart contracts, the balloon deflates. That allows the heart to pump more blood out to the body while using less energy. This device continues to inflate and deflate until it is removed. When the left ventricle has finished the contracting, the balloon inflates, and this helps to increase the blood flow to the heart and rest of the body. As our left ventricle is about to pump out the blood, the balloon deflates, and this deflation creates an extra space in the aorta, allowing the heart to pump out more blood. This decreases the workload on the heart. Keeping this in mind, the IABP frequency, augmentation, trigger source, inflation and deflation, earlier or later, should be set. As IABP being a therapeutic device, it is very essential to check the machine completely before applying to the patient, because there is a transducer that will be getting attached to the machine, and it is very essential to check the machine before the usage. And this is actually a periodic type of thing that we are seeing right on the screen. So there is a circuit diagram, and there is a periodically display of the parameters
in the screen. So this is done in periodically, and there are self-test alarms that also machine gives. So if the machine is giving such type of announcer, any alarm or alertness, or if the alarm is coming, so we should definitely look into that and should work on the what is the alarm and whatever the parameters that the machine is calculating. It's visible on the left side of the screen, so you can see the values that are changing. So those values are very critical. Depending on the use by the clinician, these IABP machines are used very differently with different applications. Wherever we want to increase the blood flow, there we can use this machine. Before applying this machine to the patient, the machine should be switched on in generally, and we should have a look whether everything is okay. And because there is a procedure after which the catheter with balloon is inserted into the patient, and that transducer is attached to the machine, and always the flushing should be done very properly. That will give an exact reading.